तो पीने कॉल फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया एक और फ्री रेडिकल के लिए, रिएक्शन के लिए। तो ये रिएक्शन हो क्या रही है, सी एच सी सी डबल बोन ओ आर ऑब्लिक एच। आर होता है तो ये क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन, कीटोन। और एच होगा तो ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। इसको हमने मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम अमलगम यानी मरकरी के साथ रखा, ठीक है। पहला यहां लिख देते हैं विद मरकरी, और उस बनने वाले कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस कर दिया सेकेंड स्टेप में। तो हमें इस तरह का एक कंपाउंड मिल रहा है, सी एस सी सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यहां हमारे लिए आर ऑब्लिक एच, सी आर ऑब्लिक एच और ये ओ एच, और यहां हमारे पास सी एस थ्री। इस तरह का कोई कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। आजू बाजू में यानी अल्फा बीटा पोजीशन पे ओ एच हमारे लिए क्या हो जाता है, डाइओल, विसनल डाइओल बनाएगा, और विसनल डाइओल को हम क्या बोलते हैं, पिनेकोल। तो आप सिंपल सा पोजीशन लिख लीजिए, अल्फा बीटा डाइओल या विसिनल डाइओल, हाँ आजू बाजू पे कॉल्ड कॉल्ड पिनेकोल, इसीलिए मैं इसको पिनेकोल फॉर्मेशन बोल रहा हूं। तो क्या डेफिनेशंस बन रही है, सिंपल सा है, व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम अमलगम, एंड हाइड आफ्टर दैट ऑन हाइड्रोलिसिस वी गेट पिनेकोल एंड अबव रिएक्शन कॉल्ड पिनेकोल फॉर्मेशंस। देखिए कोई भी मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, उसकी रिएक्टिविटी कम करने के लिए हम उस प्योर मेटल ना लेके हम क्या लेते हैं, एलोय लेते हैं। और एलोय लेने के लिए अमलगम एक बहुत अच्छा है, सस्ता भी है, और दूसरा इजीली किसी भी रेशियो में एलोय बनाने की कैपेसिटी रखता है मरकरी। इसलिए जहां मुझे कंट्रोल रिएक्शन चाहिए, मैं प्योर मेटल ना लेके उसका मरकरी के साथ एलोय लेता हूं। तो यहां मैंने एल्यूमिनियम प्योर ना लेके मैंने क्या लिया है, एल्यूमिनियम का एलोय लिया है विद मरकरी। तो ये मेरे पास रहा है मेन पॉइंट। तो यहां हमारा अगला पॉइंट ही यही रहेगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरह से रहती है। तो हेडिंग डाल लीजिए रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। सबसे पहले आपके पास क्या होगा, सी एच थ्री, ध्यान से देखिएगा बात वैसी है जैसे हम सोच रहे थे, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, और आपको दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये मैग्नीशियम प्लस टू बन रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन हमारे लिए सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ आर ऑब्लिक एच के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, और हमारे पास क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस जगह सी एच थ्री सी ओ माइनस आर एच और यहां डॉट। तो इस तरह से हमारे पास ये दो कंपाउंड बनेंगे, दो यहां पर दो ये बना रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे ट्वाइस
सी सी डॉट आर ऑब्लिक एच ओ माइनस, क्या बनाएंगे हमारे पास, सी एच थ्री सी ओ माइनस आर ऑब्लिक एच सी ओ माइनस आर ऑब्लिक एच सी एच थ्री। सही है, ये डबल ओ माइनस जो हमारे साथ है इसके साथ कौन अटैच होगा, एम जी प्लस टू जो रखा हुआ है कंटेनर में। तो हाइड्रोलिसिस करती एच टू करती आपका एम जी एम जी ओ एच में चेंज हो जाएगा एम जी ओ एच टू, और बाकी के हाइड्रोजन कहाँ आ जाएंगे यहाँ। तो आपको ये सी एच थ्री सी ओ एच सी ओ एच सी एच थ्री आर ऑब्लिक एच आर ऑब्लिक एच देखने को मिलेगा, और फाइनली आपका एम जी एम जी ओ एच टू में चेंज हो जाएगा प्लस एम जी ओ एच टू। कंटेनर में एम जी ओ एच टू बनेगा तो पीएच कहीं ना कहीं बढ़ेगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? तो एक तरह से हमारे लिए यहां पर ये पहले इस तरह से रिएक्शन हुई, दूसरी यहां हुई, फिर उसके बाद ये कन्वर्जन हुआ, तीसरा यहाँ रहा, और फाइनली ये हमारे पास H2 के साथ पिनेकोल में कन्वर्ट हो गया। तो पिनेकोल इज विसनल डाइओल, 1,2 डाइओल, अल्फा बीटा डाइओल, कुछ भी बोल दीजिए। की पॉइंट्स हमारा इंतजार कर रहे हैं, पहला जो हमेशा मैं बोलता हूँ पिनेकोल फॉर्मेशन में आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आर सी डबल बॉन्ड ओ जो भी आपके पास आर एच है, तो क्या की पॉइंट बनेगा, इन जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसको ब्रेक कर दो, ब्रेक करो, एंड क्या करना है आगे, कार्बन पर इस कंपाउंड के अंदर ही बात कर रहा हूं कि एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी ले लिया जाए, कार्बोनाइल को ब्रेक करो एंड कार्बन पर फ्री रेडिकल बनाओ। फिर उसके बाद क्या करो, आप जो भी फ्री रेडिकल है उसको इंटर या इंट्रा प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग देख लीजिए। फिर उसके बाद इंट्रा पहले फर्स्ट या फिर इंटर रिएक्शंस कराओ, इंटर फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल रिएक्शंस कराओ बस, और सबसे अच्छी बात क्या है, और फाइनल प्रोडक्ट पीने कोल बनाओ बस, फाइनल प्रोडक्ट आपका पीने कोल ही बनेगा। ये की पॉइंट आपका दिमाग में बिठा के चलो। कोई बहुत जड़ी एग्जांपल्स नहीं, ज्यादा टफ नहीं बनेंगे, सी एच सी सी डबल बोन ओ एच, और आपको फर्स्ट मैग्नीशियम अमलगम लिया गया है, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस किया गया है। अब बिना झिझक के सी क्या करोगे, ये बनाओगे, बनाओगे या नहीं बनाओगे, और उसके बाद अगली स्टेप में आप क्या बनाओगे, सी एस सी सी, यहाँ इंटर होगी या इंट्रा, इंटर, क्योंकि दो फ्री रेडिकल एक ही कार्बन पे एक ही कंपाउंड में होते तो बात अलग होती। तो ये ओ एच सी ओ एच ये आपके पास बन गया पीने को, इंटर रिएक्शंस। तो कोई बहुत ज्यादा टफ काम नहीं है, में सही है। अब आगे एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं हम, हमने डबल बोन यहां लगाया,
एक दो तीन चार पांच, ये हमारा कंपाउंड है और हमें ये कहा जा रहा है Mg अमलगम या एल्यूमिनियम अमलगम H2। अब क्या करेंगे हम, यहां O माइनस, यहां O माइनस, इंटर या इंटर या इंट्रा, इंट्रा दोनों को जोड़ दो। तो दोनों को जोड़ते वक्त नंबरिंग कर दो, सबसे अच्छा है नंबरिंग यहीं से करो, फ्रेडिकली आपस में जुड़ेंगे 1 2 3 4 5, बाकी सब बाद के हैं। तो पांच कार्बन की आप क्या बना लोगे, एक चेन बनेगी जिसमें ये तो जुड़े हुए हैं, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये जुड़ जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ओ माइनस यहाँ दिखाई देंगे और यहाँ पर CH3 और ये CH3 दिखाई देगा, कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। हाँ तो आप देख लीजिए बहुत आसानी से ये बन रहा है, और उसके बाद पिनेकोल बन जाएगा हाइड्रोलिसिस करते ही, क्योंकि यहाँ माइनस के साथ अभी Mg है, जैसे ही H2 करा तो फाइनल कंपाउंड आपके पास OH OH CH3 CH3, बस ये बन जाएगा। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप डायरेक्ट भी बता सकते थे यहाँ पर कि भाई ये कंपाउंड बनेगा, अगर आपसे ये बन चुका है तो ये भी बना सकते हो, बात एक ही है, ये और वो सेम ही है, अलग थोड़ी ना है। तो बहुत आसानी से आप इस चीज को कर सकते हैं, लिखें इसको। ये कुछ और एग्जाम्पल है पिनेकोल फॉर्मेशंस के, आपको एक ही चीज करनी है, कार्बोनाइल बॉन्ड को तोड़ना है O पे माइनस कार्बन पे डॉट, O पे माइनस कार्बन पे डॉट। यहां हमारे लिए O पे माइनस कार्बन पे डॉट, कौन सी रिएक्शन होगी, इंटर या इंट्रा, इंटर। तो कैसे हम सोचेंगे, दो मॉलिक्यूल सेम चेन वाले जुड़ जाएंगे और एक OH और एक OH, बहुत पिनेकोल फॉर्मेशंस, ठीक है। वो तो पूरा ही हो गया हमारे रिएक्शंस, सेम चीज यहां पर भी देखने को मिलेगी आपके पास, OH OH। अब यहां हम इस तरह से करेंगे, OH OH ये जोड़ दिया हमने, यानी जिस कार्बन पे OH है उस पे एक मिथाइल है, एक तरफ इथाइल ग्रुप है। तो कोई बहुत टफ टास्क नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं।